हेलो, नमस्ते हर जी। कौन बोल महादेव। रहे हैं? मैं श्रवण कुमार रावत बूथ अध्यक्ष पंडित दीनदयाल मंडल वाराणसी दक्षिणी से बोल रहा हूँ। सर को कोटि श्रवण कोटि कुमार जी, प्रणाम। बहुत खुशी हुई जी आपसे बात करने का मौका मिला। थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। जी मैं श्रवण कुमार रावत बूथ अध्यक्ष पंडित दीनदयाल मंडल वाराणसी दक्षिणी बूथ नंबर 91 से बोल रहा हूँ। श्रवण जी, जी का हाल हो? बढ़िया बाबा है के सर, धाम सब का लोग बढ़िया दर्शन है। आपने किया? जी हाँ, परिवार समेत बाबा के धाम का दर्शन किया हमने। बाबा विश्वनाथ जी के धाम के नव निर्माण के लिए मैं आपको नमन करता हूँ। पूरा परिसर बहुत दिव्य अलौकिक दिखाई दे रहा है इस समय सर। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद दर्शनार्थियों की भी संख्या में भारी वृद्धि हुई है। फल फूल बेचने वाले भाइयों से लेकर बड़े बड़े होटलों को व्यापार बढ़ाने का अवसर मिल रहा है सर। बनारस की कचौड़ी देश भर के लिए वैसे ही प्रसिद्ध रही है, और यहाँ प्रसाद बेचने वाले और लकड़ी के खिलौने बेचने वाले ज्यादातर गरीब तबके के ही लोग यहाँ रहे हैं, और जिनको अब रोजगार का अवसर मिल रहा है, और उनपे उनके हृदय से आपके लिए बस आशीर्वाद ही निकल रहा है। माँ गंगा के निर्मलीकरण और इसके लिए किए गए प्रयत्न भी आपके द्वारा अद्भुत है सर। देश दुनिया के से यहाँ आने वाले हर तीर्थयात्री आपको बहुत 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 आशीर्वाद देते हैं सर। और कल मुझे एक आदमी मिला था सर, जिसने श्री विश्वनाथ धाम में श्रमिक के रूप में कार्य किया था, और वो बहुत खुश था, अत्यधिक खुश था। उसकी खुशी देखते बनती थी सर, कि आपने जिस तरह से श्रमिकों के ऊपर फूल बरसाए थे और अपनी कुर्सी दूर फेंक कर और उनके साथ बैठे आप, आपने वहां काम करने वाले को इसका इतना ख्याल रखा सर कि वो आपकी तारीफ करते अघाते नहीं है, और काफी खुश दिखे वो। श्रवण जी, ये आपसे सुन करके मुझे अच्छा लगा कि जो सही इच्छा थी कि गरीब को वहां रोजगार मिले, गरीब के जीवन जी में सर, बदलाव आए। आपने बहुत अच्छे ढंग से सारे गरीबों के काम में कितनी गति आई उसका वर्णन किया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, पहले भी आपको विश्वनाथ जाते ही होंगे, तो काशी का तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं कि जो काशी विश्वनाथ जाता ना हो। तो अभी क्या फर्क महसूस हुआ, जब पूरा परिवार गया तो क्या महसूस हुआ? अब तो जमीन आसमान का फर्क आ गया है सर। पहले तो गलियों से गुजरते थे तो ऐसे ही कंधे छिल जाते थे, एक दूसरे से धक्का मुक्की से दर्शन का सारा मजा ही खत्म हो जाता था। लगता ही नहीं था कि हम दर्शन करने जा रहे हैं कि युद्ध करने जा रहे हैं सर। लेकिन आज आज तो वो दिव्यता, वो भव्यता दिखाई देती है सर, कि देखते ही बनता है। मेरा परिवार बहुत खुश था, आज से पहले भी मैं दर्शन करने जाता था वहां सर, लेकिन वो भव्यता, वो दिव्यता, और उस तरह किससे हम दर्शन नहीं कर पाते थे जैसा दर्शन आज किया सर। और एक दिन मैं ऐसे ही चौक, वहां चौक है सर, और चौक पे मैं खड़ा होके मंदिर की तरफ देख रहा था, तो अजीब सा मन में एक खुशी व्याप्त हो रही थी सर, कि आज से पहले मैं कैसा देखता था इस मंदिर को, कैसे मैं बता नहीं सकता सर। लेकिन आज इतनी खुशी है कि बाबा विश्वनाथ आज कैसे रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं सर, और ये सब आपकी वजह से संभव हो पाया है सर। और कोई, हम नहीं समझते कि कोई ऐसा कर पाता। आप तो सर इतिहास पुरुष हो गए सर, आपके द्वारा किया गया कार्य इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा सर। कभी कल्पना, काशीवासियों की कभी कल्पना भी नहीं रही सर, कि ऐसा भी होगा कि एक दिन बाबा विश्वनाथ जी के पास हम लोग इस तरफ से पहुंचेंगे। हम लोग जाते थे सर, रंगभरी एकादशी को दम घुटने लगता था सर, जैसे लगता था कि हार्ट अटैक हो जाएगा। और आज इतना दिव्य, इतना भव्य परिसर है सर, कि देख करके लगता है कि वाह, बस मुंह से केवल बस एक ही चीज निकलती है कि भगवान आपको महाकाल सदा आपकी रक्षा करे, हर मुसीबतों से आपको बचाए, और हमारे बीच आपको हमेशा रखे सर। आप तो मेरे काशी के देवतुल्य सांसद है सर, और मैं क्या कहूं सर, आपके लिए कोई भी वर्ड अगर मैं बोलूंगा, कोई भी शब्द बोलूंगा तो वो चोटी पड़ेगी सर। श्रवण जी, आप एक बूथ के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जी जिस सर, गहराई से आप बात को बता रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक बूथ लेवल पे मेरा एक कार्यकर्ता इतना सजग है, इतना व्यापक उसकी दृष्टि है। और श्रवण जी, मैं तो देख रहा था कि आप इतने भावुक होकर के बोल रहे थे, तो
ऐसा लग रहा था कि मैं आपके लिए मैं कैसे आपके आप आप आपको बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है सर, कि मैं जिसका क्या बताऊं सर, मैं कुछ नहीं बोल पाता आपके लिए कि आपने क्या किया कैसे किया जी। ये जो कुछ भी है ना, ये सब बाबा की कृपा है। नहीं सर, आप तो साक्षात बाबा की कृपा के बिना कहाँ कुछ होता है। उन्होंने तो हम सबको माध्यम बनाया है, और इसलिए मैं आपको और भाजपा के हर कार्यकर्ता को कहूंगा कि लोगों की सेवा के मौके को हमें गंवाना नहीं है। जब भी सेवा का मौका मिले, हमें पूरी शक्ति से वाराणसी के लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि बनारस के हर संकल्प में और यहां के हर कंकर में महादेव शंकर सर स्वयं विराजते हैं। मेरा एक आग्रह है, आप सभी को बनारस में स्वच्छता बढ़ाने के लिए और जागरूकता फैलानी होगी। मैं आपको एक काम दे रहा हूं जी सर, आप अपने साथियों के साथ मिलकर जो लोग वाराणसी आते हैं जी सर, तो बहुत लोगों बाहर वालों को पता नहीं होता है, और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग ऐसी लोगों की आदत डालें कि जो भी लोग आएंगे उनको आप कबीर चौरा ले जाने का प्रयास करें और संत रविदास के मंदिर के भी दर्शन करवाएं। देखिए, अपनी सरकार ने वहां भी बहुत सारे काम कराए हैं, इससे वाराणसी की संस्कृति, विरासत, पर्यटन सबको लाभ होगा।